इंग्लैंड के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में टीम इंडिया को दूसरे दिन ही 10 विकेट से जीत हासिल हुई। इस जीत से भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में 140.2 ओवर फेंके गए, साथ ही 30 में से 28 विकेट स्पिनरों ने हासिल किए। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 112 और दूसरी पारी में 81 रन ही बना पाई। वहीं भारतीय टीम ने पहली पारी में 145 रन बनाए, जिसके बाद मेजबानों ने 49 रन के लक्ष्य को 7.4 ओवर में हासिल कर तीसरे टेस्ट मैच को जीत लिया। भारतीय टीम ने इस मैच को जीत तो लिया, लेकिन इस जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए। सो हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। सवाल ये है कि क्या ये दर्शकों के साथ धोखा है या बल्लेबाजों की घटिया तकनीक, ये पिच की खामियां हैं या महज एक स्पिन का भ्रम जाल, क्या ये स्किड करती गुलाबी गेंद है या सीधी गेंदों पर उड़ते विकेट। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच पिंक बॉल टेस्ट मैच भले ही 2 दिन में खत्म हो गया हो, लेकिन पूरे विश्व में पिच की चर्चा अब चाय की चर्चा बन चुकी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला टेस्ट मैच है जो इतने कम गेंदों में खत्म हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि BCCI और गुजरात क्रिकेट संघ 4 मार्च से शुरू होने वाले सीरीज के चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में पिच को लेकर और सावधानी बरतेगी। BCCI यही चाहेगी कि अंतिम टेस्ट मैच कम से कम 3 या 4 दिन चले। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पहली बार कोई टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 22 बार हो चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर क्रिकेट जगत बटा हुआ है। कुछ क्रिकेट पंडितों का कहना है कि ये टेस्ट क्रिकेट का गलत प्रचार है, तो कुछ का कहना है कि ICC इस पर कठोर निर्णय ले। इस मामले पर पूर्व इंग्लिश खिलाड़ियों और इंग्लिश मीडिया का रुख काफ़ी मिलाजुला है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो विरोध में अपनी राय प्रकट कर रहे हैं। इंग्लिश कमेंटेटर डेविड लॉयड का कहना है कि जब मैच में इस तरह की लॉटरी हो तो सही मायनों में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है, ये कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, तकनीक जरूर ख़राब रही है, लेकिन अगर ऐसी पिच ICC को पसंद है तो आगे ऐसा और होगा। इसका विश्व टेस्ट क्रिकेट पर बहुत गहरा असर होगा। बोर्ड्स को और ख़ास तौर पर इंग्लैंड में काफ़ी कमाई इस बात से होती है कि मैच कितना लंबा चलता है। छोटे टेस्ट मैचों से आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होता है। पहले दिन मैंने इस पिच को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, ये पिच पिछली पिच जैसी ही खराब थी। ऐसे में एक बार फिर सवाल ICC से पूछना चाहिए, क्या आप खेल को ऐसे चलते हुए देखना चाहते हैं? टेस्ट मैच समय से इतना पहले ख़त्म हो जाए, ये मैच तो 2 दिन भी नहीं चला। मैं ICC से जवाब मांगता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। वैसे बुधवार को जब मैच ख़त्म हुआ तो कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अच्छी थी। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया, 30 में से 21 विकेट सीधी गेंद पर गिरे। बल्लेबाज स्पिन के हिसाब से बल्ला और पैर मूव कर रहे थे, जबकि सीधी गेंद उनका स्टंप ले उड़ रही थी या उनके पैड में लगकर LBW कर रही थी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन में हरी पिच पर और ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में डे नाइट टेस्ट मैच में हारी थी, तब उन्होंने पिच की जरा सी भी बुराई नहीं की थी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री का पिछले कई सालों से यही स्टैंड रहा है कि हमें विदेश में जैसी भी पिच मिलेगी हम खेलेंगे, लेकिन जब विदेशी टीम हमारे यहाँ आएगी तो उसे हमारी परिस्थितियों के हिसाब से खेलना होगा। और ये राय अब विराट कोहली की ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय टीम की बन गई है। वहीं पिंक बॉल टेस्ट मैच में अर्धशतक जड़ने वाले रोहित शर्मा ने कहा कि जब आप ऐसी पिच पर खेलते हैं तो आपके अंदर इरादा होना चाहिए, आपको रन बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए, आप सिर्फ ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोई गेंद ही टर्न हो रही थी, और जब आप टर्न के लिए खेलते हैं तो गेंद स्टंप की तरफ फिसल भी रही थी। अक्षर की स्टंप पर गेंद डालने की रणनीति कारगर साबित हुई, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। अचानक से टीम में आकर इस तरह से प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है। वो चोटिल थे, लेकिन चेन्नई में उन्होंने वापसी कर शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ उन्होंने सीधे स्टंप पर गेंद डाली, जिसे खेल पाना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था।
चेन्नई में हुए दूसरे टेस्ट से ज़्यादा गेंद अहमदाबाद में टर्न ले रही थी। वो पिच अधिक चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अश्विन ने शतक जमाया और विराट ने भी अर्धशतक बनाया, इसलिए अपने बेसिक्स पर डटे रहकर आप रन बना सकते हैं। गुलाबी गेंद को खेलने के लिए बल्लेबाजों को और काम करने की ज़रूरत है। डे नाइट टेस्ट मैच में ज़्यादातर बल्लेबाज सीधी गेंद पर आउट हुए। मैच खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी पिच को लेकर अपने विचार पेश किए। जो रूट ने बेहद ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया, उन्होंने खुलकर इस पिच का विरोध नहीं किया। जो रूट का कहना है कि जो दर्शक इस मैच को देखने आए थे उनके साथ धोखा हुआ, वे खुद को लूटा हुआ महसूस कर रहे होंगे। मैच खत्म होने के बाद जो रूट ने कहा कि ये बड़े ही शर्म की बात है, क्योंकि ये एक शानदार स्टेडियम है और हजारों लोग इस उम्मीद से आए थे कि एक बेहतरीन और यादगार मैच देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से उनके साथ धोखा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच को लेकर पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों की राय क्या है। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता कि दो दिन में ख़त्म हुआ टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए अच्छा है या नहीं। अगर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह इस तरह के पिच पर गेंदबाजी करते तो 1000 और 800 विकेट ले चुके होते। इस पिच को लेकर संजय मांजरेकर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब 4 दिनों के टेस्ट क्रिकेट का आइडिया खराब है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच को लेकर पूर्व इंग्लिश कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने कहा कि पहले दिन मुझे लगा कि अच्छी तकनीक के साथ अहमदाबाद की पिच पर रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन सब लॉटरी जैसा था। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक अर्थटन ने भी कहा कि मुझे लगता है कि पिच चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि इसमें खेला नहीं जा सके। इंग्लैंड पहली पारी में 112 रन से ज़्यादा बना सकता था, इससे उन्हें फ़ायदा मिलता। इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपने विचार पेश करते हुए कहा कि अगर इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जीत लिया होता तो हम यहाँ बैठकर बात नहीं कर रहे होते। इस विकेट के बारे में कुछ भी खतरनाक नहीं था। अगर विकेट खतरनाक है तो तब ICC अंक घटाने का फैसला कर सकती है। हाँ, इस टेस्ट मैच में निश्चित रूप से बल्ले पर गेंद की जीत हुई और यह एक तरफा रहा। आप भारतीय उपमहाद्वीप में हैं, जब आप पर्थ जाते हैं तो वहाँ क्या होता है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सर जियोफ्री बॉयकॉट ने कहा कि ऐसा किसी नियम में नहीं लिखा है कि किस तरह की पिच बनानी चाहिए। पिच पर टॉस जीतकर पहले खेलने का विकल्प हमें मिला, फिर भी वो जीत गए। अंत में इंग्लैंड के एक और पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि पिच को लेकर काफ़ी बात हो रही है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड का स्कोर एक समय 73 रन पे 2 विकेट था, उसके बाद वो मैच हार गए। इंग्लैंड सिर्फ पिच का बहाना नहीं दे सकता है। इन सभी बयानों को देखकर एक बात तो साफ होती है कि इंग्लैंड की हार का टीकरा सिर्फ पिच पर ही नहीं फोड़ा जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दोनों तरफ के बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की है। ऐसे में सिर्फ पिच को ही दोष नहीं दिया जा सकता है। ICC के नियम के मुताबिक खराब पिच एक ऐसा ट्रैक होता है जहां गेंद और बल्ले के बीच संतुलित मुकाबला नहीं हो पाता है। अगर पिच बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा आसान हो और गेंदबाजों को जरा भी मदद नहीं मिल रही हो, या फिर पिच में ज़्यादा स्पिन या सीम हो और बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका नहीं मिल रहा हो, तो उसे खराब पिच कहा जाता है। अगर पिच में स्पिनरों को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है तो वो भी खराब पिच की श्रेणी में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पहले दिन कुछ डिग्री तक गेंद घूमना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ उछाल नहीं होना चाहिए। अगर ICC किसी पिच को खराब घोषित कर देती है तो उस स्टेडियम पर 2 साल का बैन लग सकता है। अगर किसी स्टेडियम का डिमेरिट नंबर 5 तक चला जाता है तो ICC उसकी मान्यता 1 साल तक के लिए बैन कर सकती है। वहीं 10 डिमेरिट नंबर पर उस स्टेडियम पर 2 साल तक मैच नहीं खेला जा सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साल 2018 में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। उस समय जोहानिसबर्ग के पिच को खराब श्रेणी में रखा गया था। खेल के तीसरे दिन आसमान उछाल की वजह से इस पिच पर सवाल खड़े हुए थे और तब खेल को रोकना पड़ा था। वहीं साल 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे टेस्ट मैच के दौरान इस्तेमाल की गई पिच को भी खराब बताया गया था, लेकिन उस पिच पर स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ा था और उमेश यादव ने 4 विकेट
चटकाए थे। जबकि अहमदाबाद टेस्ट की बात करें तो यहाँ तेज गेंदबाजों को 30 में मात्र 2 विकेट ही हासिल हुए, तो वहीं स्पिनरों ने 28 विकेट हासिल किए। और हैरानी की बात तो ये है कि 17 विकेट एक ही दिन में गिर गए थे। हालांकि यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अहमदाबाद के इस स्टेडियम पर तकरीबन 9 साल के बाद इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। इस स्टेडियम की नींव खुद नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो अब देश के प्रधानमंत्री हैं। ये स्टेडियम अभी हाल ही में बनकर तैयार हुआ है, ऐसे में पिच को थोड़ा और परखने की ज़रूरत है। इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है। उम्मीद है आखिरी टेस्ट मैच में इस पिच की मायाजाल साफ हो जाएगी। तो आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।